नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। और मैं नवीन सेमवाल गढ़वाल हिमालय, मेरे चैनल का नाम। तो साथियों, आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं भगवती जगत जननी अनुसुईया देवी। तो आपने बहुत सारे वीडियो में मुझे देखा होगा जब मातला की देवरा यात्रा निकली थी। तो आज मैं भगवती का जो मूल स्थान और जहाँ पे महा जगत जननी अनुसुईया देवी ने तपस्या की थी, उस स्थान के दर्शन कराऊंगा और आप घर बैठे लाभ लेंगे इस चीज़ का। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। देखो साथियों, मेरा एक रीज़न होता है वीडियो बनाने का कि मैं अपनी संस्कृति और अपनी बोली तो मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ कि कई लोग क्या होता है कि दिल्ली से देख रहे हैं और देहरादून से देखते हैं, चंडीगढ़ से देखते हैं, तो उनके बहुत सारे कमेंट आते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, वरना ज़्यादातर मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं गढ़वाली में बोलूँ, परंतु उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ता है। और भगवती जगत जननी अनुसुईया देवी का जो मार्ग है, अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर से थोड़ा आगे सिरोली गाँव में। और आप देख, सिरोली का पुल तो ये कई बार बह जाता है और कई बार रह जाता है। कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो स्कूल जा रहे हैं। देखिए आप, मैं 1 किलोमीटर आ चुका हूँ और मेरे साथ हैं आज सौरभ भाई। और सौरभ भाई को बहुत सारे वीडियो में आपने देखा हो मेरे साथ। तो सौरभ भाई मेरे छोटे भ्राता भी हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो हम पहुँच चुके हैं सिरोली गाँव के बीच। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर त्रिदेव शुनो यस्य अनुसुईया वरदाय अत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मंगलकर। ये भगवती जगत जननी अनुसुईया की जो प्राचीन मूर्ति थी, जब वो किसी कारण खंडित हो गई थी, तो उसको पुनर्स्थापना करने के लिए इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था। और भगवती जगत जननी ने पुजारी जी के स्वप्न में आकर के बताया कि मेरी मूर्ति, ये बहुत भारी मूर्ति है, मेरी मूर्ति यहाँ नहीं, मेरी मूर्ति वसुधारा में है बनी हुई, आप जा करके ले आओ। इस मूर्ति का ये मूर्ति उस समय से यहीं पर स्थापित है, भगवती जगत जननी अनुसुईया के नाम से ही है। हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर है पंच पांडव। तो आपको पांडवों की कथा तो पता ही होगी। सर्वधर्माणं प्रत्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यं भोक्ष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को त्याग करके अर्थात आश्रय को त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ और मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। तो पापों से जो मुक्ति है, पापों से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप भगवान शंकर की शरण में जाइए, जो कैलाश के वासी हैं और जो केदारखंड में नित्य निवास करते हैं। तो पांडव भगवान शंकर की खोज में यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर प्रतीक है पांडवों की कुछ मूर्तियाँ, कुछ पत्थर अवशेष और कुछ हैं अनुसुईया मंदिर में ऊपर और कुछ मंडप में। तो सभी जगह आप कहीं ना कहीं इनका संबंध है। समौड़ी, तो यहाँ के लिए समौड़ी कहते हैं, यहाँ से सारा व्यू दिखता है मंडल सिरोही और आपका हरवर रिसर्च ऊपर बमणा बैंड। तो मैं आपको पूरा मंडल का जो है व्यू, इसमें थोड़ा पेड़ों की छाया भी है इसलिए साफ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया सा घना जंगल। और यहाँ से आगे मोबाइल टावर भी कम ही काम करता है, तो जिसको बात करनी होती है वो यहाँ कर लेता है, फिर उसके
उसके बाद अगले दिन ही बात हो पाती। कहीं कहीं पे पकड़ता है स्वयं, पर लेकिन नए आदमी को पता नहीं होता है। तो चलते हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर है नाग देवता। और जिस प्राचीन शिला लेख के बारे में नीचे आपने बोर्डों पे देखा होगा, तो वो यही प्राचीन शिला लेख है। ये साम्राज्य की उपाधि महाराज आदि राज के राजा मोकरी राजा के सर्वरमन के रूप में पहचाना गया है। इसको 576 और 580 के बीच में, मतलब 6वीं शताब्दी के बीच में, और इस पर लिखा है कि आगे जलाशय और शिव मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। तो बाकी आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको जूम करके, ब्रह्मलिपि कहा गया। यह है शिलालेख की जो प्राचीन ये लिखा हुआ है और इसको पत्थर पे गुदवाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पुण्यों के लिए ही कुछ कहा गया होगा इसमें। यह है पुरातत्व के अधीन है, और आप पुरातत्व का बोर्ड देख सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं अनुसुईया से थोड़ा आधा किलोमीटर पीछे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल गणेश जी के बिल्कुल सम्मुख। और बहुत ही विशाल गाय गणेश जी है यहाँ पे, जो शिला पर है। भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा बहुत ही विशाल गाय शिला पर। तो भगवान गणेश जी अपने आसन पे विराजमान है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटा सा नाला है, इस पर पुलिया बनी हुई है। इसको पार करते हुए हम लोग बिल्कुल अनुसुईया की जो पवित्र भूमि है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो इस घड़ी का इंतजार था और इस पल का इंतजार था जिसके लिए हम यहाँ पे आए। तो आप देख सकते हैं सम्मुख भवरी जगत जननी अनुसुईया माता का जो है आश्रम सामने, बिल्कुल आप देखिए बहुत ही सुंदर रमणीय ये स्थान। अंतिम चढ़ाई बोल सकते हैं बिल्कुल सम्मुख मंदिर के नीचे कुछ यात्रीगण भी आए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो। ये वो पग हैं जहां से होते हुए बहुत ही माता अनुसुईया का जो पावन धाम है उसमें पहुंचते हैं। ये जगत जननी माता अनुसुईया का जो है पावन धाम, और इस धाम में पहुंच चुका। तो बहुत ही सुंदर रमणीय ये वन, ये स्थल, ये आश्रम। और आप देख सकते हैं सामने जो नीला अंबर दिखाई दे रहा है, भगवान रुद्रनाथ जी वहाँ निवास करते हैं। उन्हें चारों तरफ का कुछ इस प्रकार का नजारा है। तो जगत जननी के जो प्रांगण है उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी लोगों ने घंटियाँ चढ़ाई है। तो मन्नत पूरी होने पर ये घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। भगवती जगत जननी अनुसुईया अपने तप बल के लिए जानी जाती है। पर माता अनुसुईया धाम में बहुत सारे लोग पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो माता ने जब तीनों देवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था और कहा था कि पुत्र रूप में चाहते हैं, तो तब से भगवती जगत जननी पुत्रवरदायिनी हुई। और जिनके भी पुत्र या पुत्री नहीं है तो उस वर के लिए यहाँ पे आते हैं और भगवती से मन्नत करते हैं, और उसके बाद ही यहाँ पर आकर के अपनी घंटी इत्यादि वस्त्र इत्यादि भगवती को चांदी के छत्र चांदी के बर्तन भेंट करते हैं फलस्वरूप। विराजमान है क्षेत्राधिपति भगवान वीरभद्र अंधार देवता। आप देख सकते हैं भगवान अंधार देवता जो है विराजमान है, और भगवती की आगवानी भी माने जाते हैं। और पंच पांडव विराजमान है, मन पुजारी आचार्य विनोद सेमवाल जी, और आप हमारे गुरु भाई भी हैं। भगवती की जो पूजा आराधना थी, जो जो कुछ भी भेंट था वो चढ़ा करके हम लोग महाराज थे। और इस प्रकार का जो प्रांगण है भगवती का महादेव विराजमान है एक मंदिर के पीछे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन देवियाँ विराजमान हैं,
जब भी यहाँ पे आते हैं तो विशेष ख्याल रखना कि किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो तथा किसी प्रकार का आप लाल पीला पहन के ना आए, क्योंकि वन देवियाँ बहुत उनके ऊपर क्रोधित हो जाती है और उनका प्रकोप झेलना पड़ता है। और यहाँ से भगवती का जो स्नान का जल है वो यहाँ से बाहर आता है और यहाँ पर विराजमान है भगवती की जो है भोग मंडी। आप देख सकते हैं ये मंदिर समिति के अंदर में आता है, श्री माता ट्रस्ट समिति जो है हर साल आयोजन होता है यहाँ पे। भगवती का जो दत्तात्रेय मेला है उसमें सारी डोलियाँ यहाँ पे विराजमान होती हैं और भगवती को के अंडर में ये सारा कार्यक्रम चलता है, संचालित होता है। सुंदर भव्य दिव्य ये मंदिर और इसकी छटा निराली जगत जननी अनुसुईया माता पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती है और इसका उल्लेख आपके शास्त्रों में भी है। बहुत जगह हमने पढ़ा भी है, बहुत जगह हमने सुना भी है कि भगवती जगत जननी पतिव्रता नारी है और जिनके पतिव्रत के आगे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालक बन गए थे। तो पतिव्रत धर्म में बहुत ही तेज होता है, जो स्त्रियां अपना इस व्रत को निभाती हैं तो वो सती कहलाती हैं। तो माता अनुसुईया उन सतियों में से एक है और इनका तप बल बहुत ही तेज है, जो वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति कई बार हम कई लोगों को मिलते हैं और देवरा में भी मुझसे सारे लोगों ने पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है या बहुत सारे लोगों को अनुभव होते हैं। बिल्कुल वर्तमान समय में भी कई बार डॉक्टर जिनको फेल कर लेते हैं कि संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो वो भगवती के इस पावन धाम में आए और श्रद्धा भाव से आए और मन में किसी प्रकार का संकोच न रखे। भगवती जगत जननी माता अनुसुईया और जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और होती हैं। बहुत सारी मनोकामनाएं हमने हमारे सामने बहुत सारे लोग मिले मुझे देवरा यात्रा के दौरान, तो हमने अपना अनुभव शेयर किया है कि पंडित जी ऐसा उनको अनुभव हुआ था। तो वर्तमान में कलयुग में जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आप लोग जरूर आएंगे माता अनुसुईया के दर्शन करने जब भी आपके पास समय होता है। तो साथियों घूमने मत आना, केवल दर्शन करने में तो कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं। भगवान के जब भी आप घर पर जाओ तो आप दर्शन के लिए जाएंगे, भगवान तभी दर्शन देते हैं। आप अगर घूमने जाओ तो भगवान नहीं देते हैं दर्शन, आप किसी भी स्वरूप में भगवान दर्शन दे सकते हैं। कोई ये नहीं है कि भगवान खड़े हो जाएंगे आपके सामने, परंतु ये है कि आपको किसी भी स्वरूप में किसी भी रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इन स्थानों का अपना एक अलग महत्व होता है। आप देख सकते हैं ये सुराई का पेड़ है, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है इसका पत्थर अभी है नहीं है, तो वो पत्थर अभी ऊपर ही है और वो अब दिखता नहीं है और पूरा ढक चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में एक बात रहती है क्या वो पत्थर अभी है कि नहीं है, बहुत सारी वापस भी जाना है और मेरे पास आज समय ज़्यादा नहीं है। किसी और दिन में सारे इस प्रांगण के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पीछे जो मंदिर है, मंदिर के पीछे दत्तात्रेय भगवान है, तो दत्तात्रेय भगवान यहाँ पर अनुसुईया मेला लगता है, तो उसकी बधाई देने के लिए सारी देवी आती है। तो मंदिर के ठीक पीछे भगवान दत्तात्रेय का और ये विशालकाय पेड़ में आपको दिखाऊँ, और ये विशालकाय पेड़ आप देख सकते हैं सुराई का, देख सकते हैं सुंदर दिव्य मंदिर। आप देख सकते हैं जगत जननी माता अनुसुईया का जो धाम है अनुसुईया आश्रम, आप देख सकते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं पुजारी जी के घर पे, वर्तमान पुजारी आज
आचार्य विनोद शर्मा जी और इनका जो है ये निवास स्थान है, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। और नया पुराना मिल, पुराना घर और उस पर नई कलाकारियाँ आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सारे लोग बैठे हुए हैं, अरे हैं बोलो भाई, अरे हमारी चाची जी। तो बहुत ही सुंदर मौसम है आज का। और इधर हैं दादी जी, दादी जी, दादी जी भी आपको अनुसुईया में हमेशा दिखेंगी। और दादी मतलब 130 साल जिंदा रहेंगी। और सब 70-75 साल हो गए दादी को, दादी को अभी तो 150 साल जीना है। अच्छा, हम लोग जयंतीपाल सिंह बिष्ट जी हमारे पीछे आप देखते होंगे, तो जाएगा आनंद ले रहे हैं, वापस ही है, जाते हुए हम बैठे नहीं और ऊपर भी हमने चाय समय वापस ही। बहुत सारे यात्रीगण लोग भी चाय का आनंद लेते हुए। कैसा लगा आप सभी को ये मेरा ये ब्लॉग, तो जिसमें मैंने आपको भगवती जगत जननी अनुसुईया देवी के दर्शन कराए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करेंगे, अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। जो पहली बार देख रहा है तो वो जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन बटन को दबाएगा ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका आता रहेगा। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।